हेलो एवरीवन दिस इज ट्रेडिंग सीक्रेट्स वेलकम टू माय चैनल सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरा फेबररी का पीएनएल का स्टेटमेंट एंड uh, उसके साथ आप लोगों को एक वेरीफाइड पीएनएल लिंक भी दे रहा हूँ एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट इस मंथ में मुझे एक लॉस हुआ था एंड दैट लॉस वाज आल्सो अ गुड लॉस उसके बारे में भी जानेंगे कि वो लॉस मुझे क्यों हुआ था एंड व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट एंड एक्चुअली एक लॉस नहीं हुआ था दो लॉस हुए थे बट सेकंड लॉस को मैं रिकवर कर गया था एंड उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि वो सेकंड लॉस uh, भी क्यों हुआ था एंड व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट ठीक है सो बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट की अगर आपने मेरे चैनल अब uh, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड यू हैव नॉट जॉइंड माई टेलीग्राम चैनल सो आई रिक्वेस्ट की आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं विच गोज बाय द नेम ऑफ ट्रेडिंग सीक्रेट्स एटी जिसका लिंक मैं आपको इस

मंथ में काफी अच्छा इनफैक्ट दिस मंथ वाज़ अ ह्यूज वॉलेटाइल मंथ था बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी थी इस मार्केट में काफी ज्यादा डिविक्स जो है ऑलमोस्ट सिक्सटीन के ऊपर सस्टेन करा है इस मार्केट uh, में ऑलमोस्ट मोर देन ट्वेंटी मोर देन आउट ऑफ ट्वेंटी ट्रेडिंग सेशनलीटिंग दोन टू फोर्टीन पॉइंट नाइन नाइन और बिलो फिफ्टीन राइट नो बट स्टिल इट इज अबोवल्ड माई थ्रेश होल्ड ऑफ ट्वेल्व लेवलो और मे बी थर्टीन लास्ट तब तक आई विल से मार्केट इज स्टिल इन वोलेटिलिटी रेंज विच आई एम एक्सपेक्टिंग मे कंटिन्यू टिल जून बिकॉज ऑफ इलेक्शन बिकॉज इंडिया में इलेक्शन होने वाले हैं एंड नेक्स्ट मंथ से उसका प्रिपरेशन वगैरह हो जाएगा देन मई में आई एम एक्सपेक्टिंग रिजल्ट आएगा एंड देन जून तक ये वॉलेटिलिटी सस्टेन रहेगी मार्केट को एक डायरेक्शन मिलने के लिए ठीक है टिल देन आई एम एक्सपेक्टिंग की वॉलेटिलिटी uh, मार्केट uh, बहुत वॉलेटाइल रहने वाला है ठीक है सो बिफोर वी गो एट एक चीज मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूं कि बैंक निफ्टी जो है देखिए एक बहुत अच्छा अप uh, मूव दिया था उसने लास्ट दो दिनों में देर वॉज अज

गो गुड बट थोड़ा सा आ, निफ, बैंक निफ्टी का थोड़ा सा कल बैंक निफ्टी ने काफी अच्छा मूव दिया था नियरली अबाउट टू परसेंट का ग्यारह सो पॉइंट ऊपर पड़ गया था ठीक है बिकॉज जीडीपी का डेटा आया था एंड जीडीपी का डेटा वॉज रियली गुड एंड उसके अलावा मैंने अपने uh, चैनल पर भी बताया था दैट थर्सडे uh, को एक मेजर डेटा आने वाला था विच इज पी सीई डेटा दिस इज अ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर डेटा कंजम्शन एक्सपेंडिचर डेटा होता है जो कि फेड का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है फॉर इन्फ्लेशन के लिए अगर ये डेटे में डेटा में थोड़ा, थोड़ा खराबी आ जाती तो देर वॉज अ पॉसिबिलिटी दैट फेड जो है वो अपनी रेट डिक्रीज नहीं करता बट दिस पी सी ई डेटा जो है वो इन लाइन आया है एक्सप एज पर एक्सपेक्टेशन ऑफ द स्ट्रीट सो दैट इज वाई मार्केट हैज्सो सपोर्टेड इन दैट सेम वे बिकॉज नाउ पीपल आर नाउ ट्रेडर्स आर एक्सपेक्टिंग की जो फेड है ही मे स्टार्ट कटिंग इट्स इन दिस ईयर ओनली और मे बी फ्रॉम जून ऑनवर्ड्स जब भी उनका नेक्स्ट मीटिंग होगा तब दे आर एक्सपेक्टिंग दे मे कट द रेट्स प्रोवाइडेड इनफ्लेशन शुड बी स्टडीली डिक्रीजिंग और उस रेट में रहे ठीक है सो बैंक निफ्टी काफी अच्छा बड़ा था एंड देन निफ्टी जो है निफ्टी ने भी काफी अच्छा मूव दिया था इनफैक्ट निफ्टी मूव वॉज मोर डोमिनेंट रीजन बींग बिकॉज निफ्टी जो है अपने फिफ्टी टू वीक हाई इनफैक्ट ऑल टाइम हाई के ऊपर उसने एक अच्छा खासा माराबाजू बुलिश मारा बाजू कैंडल के थ्रू क्लोजिंग दिया था विच इज अ वेरी गुड बुलिश साइन ठीक है बट आज क्या हुआ आज इसने एक ये रेड स्टिक कैंडल रेड कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया है एंड बैंक निफ्टी ने भी सिमिलर ही बनाया है ठीक है अगर कल यहां पर एक रेड कलर का कैंडल बन जाता है दिस रेड कलर का कैंडल बन जाता है तो ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाएगा दिस कैंडल स्टिक पैटर्न बिकम बियरिश एबंडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न ठीक है एबंडेंट कैंडल स्टिक बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाएगा एंड ये पैटर्न अगर टॉप पर बनता है सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी द मार्केट में रिवर्स इट्स डायरेक्शन बट देयर इज अ कैच वट इज द कैच अगर आप नॉर्मल देखेंगे और कल रैड बन जाएगा तो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट पीपल विल थिंक दैट यज बी एरेशन गया है ठीक है एंड देन पीपल मे गो शॉर्ट ठीक है दिस कैन बी ट्रैप ऑल्सो सो दैट इज वाई आई एम टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड लिबर्टी टू टेल यू गाइज की ये ट्रैप हो सकता है क्यों ट्रैप हो सकता है इसका रीजन क्या है इसका रीजन ये है कि दिस वॉज अ दिस वन पीरियड इज या फर्स्ट मार्च जो फ्राइडे को फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन था मार्च सीरीज का मार्च मंथ सीरीज ये जो था उनका डिजास्टर रिकवरी साइट है उसका एन एंड बी का उसको चेक करने के लिए दे अ स्पेशल ट्रेडिंग सेशन सो आई डू नॉट वॉन्ट टू कंसिडर दिस एज नॉर्मल ट्रेडिंग डे ठीक है सो so, सो अगर एंड सेम थिंग हैज हैपेंड इन बैंक बैंक निफ्टी निफ्टी आल्सो में भी सेम थिंग हैज हैपेंड ह्यूज मोमेंटम एंड बैंक निफ्टी में ट्रैप होने के ज्यादा चांसेस हैं क्यों क्योंकि बैंक निफ्टी जो अपना पिछला ब्रेकआउट लेवल है उसके पास उसने बीयरिश एबंडेंट बेबी बनाया है ऐसी चीजें दो चीजें होती है या तो वो अप ट्रेंड में बन जाए या फिर किसी रेजिस्टेंस लेवल के पास अगर बन जाए तो ज्यादा अच्छा फॉल देखने को मिलता है ठीक है बट दिस कैन बी अ ट्रैप ऑल्सो आई एम टेलिंग इट अगेन रीजन बींग कि ये जो ट्रेडिंग डे है आज का सेकंड मार्च का जो ट्रेडिंग डे है ये एक फुल ट्रेडिंग सेशन नहीं था अगर ये फुल ट्रेडिंग सेशन होता, तो yes, it, yes, कि में रोल ओवर अच्छे हुए हैं निफ्टी के रोल ओवर अच्छे हैं निफ्टी इज ऑल टाइम हाई पर है काफी ज्यादा शॉर्ट्स कवरिंग हुई है उसके बाद एक स्पेशल ट्रेडिंग डे था स्पेशल ट्रेनिंग सेशन रखा हुआ था मात्र एक या डेढ़ से दो घंटे का सो दट इज वाई देर इज अ पॉसिबिलिटी की कल अगर मार्केट नीचे एक यहां रेड कैंडल बनाएगा सो पीपल मे थिंक दिस इज अश अबेंडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न इट मीन द रिवर्सल इज एयर तो पीपल मे शॉर्ट ठीक है विद कीपिंग अ एसेल ऑफ हाई ऑफ दिस पॉइंट ठीक है अगर कल ये कैंडल स्टिक पैटर्न बनी तो जितने भी शॉर्टर्स होंगे उन सबका एसेल इसका हाई होगा एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी मार्केट मे ट्रैप दीज पीपल एंड मेक अज कैंडल एब दिस गया जो कि क्या है लेट्स हंड्रेड okay. so के ऊपर एक रेजिस्टेंस होता है ऊपर वॉट इज माई लेवल या बिकॉज दिस इज अजिस्टेंस लेवल फोर्टी सेवन फाइव हंड्रेड के ऊपर okay. yeah. तो अगर एक या दो दिन के बाद मार्केट जाता है एक रेड स्टिक या दो रेड स्टिक कैंडल बनाने के बाद अगर मार्केट निकलता है तो यू मार्केट ह्यूज शॉर्ट्स कवरिंग विल बी सीन इन बैंक निफ्टी ठीक है बिकॉज ये सारे जितने भी शॉर्टर्स होंगे दे विल गेट ट्रैप्ड बिकॉज आई विल नॉट कंसिडर दिस डे सेकंड मार्च ऑफ ट्रेडिंग सेशन एज ए नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन बिकॉज वॉल्यूम ठीक है नॉट मोस्ट ऑफ दॉल्यूम एव कम सेम गोज इन निफ्टी ऑल्सो

डलस्टिक पैटन में अगेन दिस से ट्रेडिंग सेशन वॉज नॉट अल ट्रेडिंग सेशन इट इज स्पेशल ट्रेडिंग सेशन सो देर इज अ पॉसिबिलिटी इसके हाई पर निकलेगा ठीक है सो यू मार्क दीज लेवल्स एज वेल हाउ मच इट इज ट्वेंटी टू फोर टू जीरो सो अगर कल या परसों एक दो जितने ज्यादा दिन यहां पर ये टाइम स्पेंड करेगा ठीक है

जू तो yes, कैंडल so, बनी है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आर गोइंग वेरी हाई एंड फर्स्ट डे ऑफ द मंथ था एंड रोल ओवर डेटा थोड़ा पॉजिटिव है एंड ह्यूज शॉर्ट कवरिंग उसके बाद एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन में एक बेबी एबंधेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया हाफ वे सो एंड विक्स ऑल्सो फॉलोइंग सो देर आर थ्री फोर थिंग्स इन टैंडम विच आर गोइंग अलोंग सो विच इज इंडिकेटिंग दैट यस मार्केट में ट्रैप हेयर लोगों को ट्रैप कर सकता है सो बी वेरी अवेयर अबाउट इट ठीक है कल हो सकता है गैप अप खुल जाए एंड दिस पैटर्न में भी कैंसल्ड ये पैटर्न कैंसिल हो जाएगा बट वर्ष के और यहां पर इसनेडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया सो देर इज अ पॉसिबिलिटीबर दिस थिंग करते हैं रिगार्डिंग माई पी एन एल स्टेटमेंट एंड हाउ आई मेड अ लॉस इन दिस मंथ दिस इज माई अकाउंट सो फर्स्ट टू ट्वेंटी

पंद्रह से बीस मिनट के अंदर फिन निफ्टी 100-200 पॉइंट्स का इसने राइस दे दिया था, ठीक है एंड उस टाइम पर इट वाज नियरली अबाउट मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस भी था इनफैक्ट ये जब नीचे गया था तो आई कि नाउ बिकम अ स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल बट वो रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हुआ मार्केट नीचे आया फिर ट्वेंटी थाउजेंड को ऐसे ऐसे करके उसने ब्रेक करा एंड देन इट वेंट अप शार्पली तो ये जब शार्पली गया तो कॉल का जो प्रीमियम था वो बहुत ह्यूज स्पाइक मार दिया था सो so, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था सो आई हैड टू एक्सटिट दर्लियस्ट द मोमेंट इट क्रॉसेज ट्वेंटी थाउजेंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग ट्वेंटी थाउजेंड पे रुक जाएगा रेजिस्टेंस लेगा एंड इट मे फॉल बैक बट डेटा शिफ्टिंग जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट हुई थी एंड डेटा शिफ्टिंग की वजह से जो कॉल और पोट राइटर्स थे दे शिफ्टेड देयर पोजिशन वेरी शार्पली

Uh, i made a loss almost this is this day uh, on 28th feb 28th feb mein kya hua tha? Let's see. 28th feb was the worst of the day because uh, mid cap and small cap makayavada was fall fall. so this was 28th feb what happened in 28th i was not in fin Nifty. i was in other indices Theke majorly mein, uh, this thing yeah this was the day म्यूचुअल फंड सर्कुलर आया था देट सेट इशूड अ सर्क्यूलर ऑन फॉर म्यूचुअल फंड दे है क्वान्टिटी एंड देर होल्डिंग इन स्मॉल कैप एंड मिड कैप्स ठीक है सो so उसकी वजह से स्मॉल कैप एंड मिड कैप जो भी उनकी होल्डिंग्स होगी उसके बारे में डिस्कलोजर गोइंग ऑन फॉर म्यूचुअल सो दैट दैट अ वेरी एज न्यूज बाय द म्यूचुअल फंड एंड उसका जो इंपैक्ट था वो बहुत शार्प था एंड वो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में गिरा उस दिन इनफैक्ट जो मिड एंड स्मॉल कैप थे वो सारे के सारे टू पॉइंट फाइव परसेंट के आसपास फॉल हुए थे एंड पिछले दो सालों में दो सालों में इतना वर्स फॉल मैंने मिड कैप में या स्मॉल कैप में नहीं देखा ठीक है, so, उस दिन काफी ज़्यादा फॉल हुआ था एंड एक्सपेक्टेशन के था ज्यादा शूट निफ्टी इंडेक्स में देखने को नहीं मिला था बट इसका सबसे ज्यादा इंडेक्स uh, सबसे ज्यादा इशू जो है वो आपको मिड एंड स्मॉल कैप इंडेस में देखने को मिला था सो या सो दैट इज वाई इस दिन आई ऑल्सो मेड अ ह्यूज लॉस बट लॉस के बावजूद भी मैंने उसमें काफी कवर करने की कोशिश करी एंड एट द एंड ऑफ द डे आई वाज एबल टू कवर इट फाइनली सो उस दिन मेरा फाइनली 840 का ही प्रॉफिट हुआ था तो एटलीस्ट मेरा जो टारगेट होता है कि मैं uh, अपना ट्रेडिंग टर्मिनल जो है वो मैं पॉजिटिव बंद करूँ तो मेरा जैसी इसमें थोड़ा मुझे और भी प्रॉफिट हो जाता बट uh, जैसे ही प्रॉफिट आ गया मेरा लॉस बड़ा था जैसे ही प्रॉफिट आया सो आई एग्जिट कि यस माई टारगेट इज

इसमें मुझे लॉस नहीं हुआ था, बिकॉज इसकी पोजीशंस को मैंने कंट्रोल कर लिया था, ठीक है, इसमें मुझे इसलिए ज़्यादा लॉस नहीं हुआ, बट yes, 28 फ़ेब वाले दिन मुझे लॉस हुआ था, बट 13 फ़ेब वाले दिन मुझे लॉस नहीं हुआ था, I was able to control uh, this account, okay, so, so let's see my verified PNL link, so ये है मेरा ट्रेडिंग सीक्रेट्स का चैनल, this is my video, you guys have, uh,

फैब मत में दिस इज द अमाउंट स्विंग ट्रेडिंग का इतना मौका नहीं मिला था एंड इन फैक्ट जो थोड़े बहुत मौके मिले थे आई हैव नॉट बुक द प्रॉफिट आई एम स्टिल होल्डिंग दोंग्स आई विल बुकिंग सो नियर अबाउट सेवन पॉइंट के आसपास आई एव मेड इन दिस से आसपास एंड दिस इज माई फर्स्ट अकाउंट एंड दिस इज माई सेकेंड अकाउंट दैट सी हाउ मच आईव मेड इन दिस सो दिस इज ऑल्सो माई अकाउंट ओनली सो दैट इज आईन Uh, this disclaimer for others as well so that this is kind of warning in fact and in this account also i made nearly about uh, 2.7 or 2.8 cash plus maybe 2.7 something so overall so overall uh, i am able to make nearly about uh, 10 lakhs more than 10 lakhs in fact you can claim it as 10 lakhs

एंड एक साल में जो मेरा रिटर्न है वो कितने परसेंट का है ठीक है जनवरी पी एन स्टेटमेंट में आई वॉज नॉट एबल टू टेल यू आई फॉको टू टेल यू सो इन दिस मंथ आई हैव मेड नियरली अबाउट सिक्स पॉइंट सिक्स टू सेवन परसेंट ऑफ माई प्रॉफिट ऑफ माई कैपिटल एम्प्लॉइड सो दिस इज वॉट एवर आई हैली अबाउट टेन लैक रुपीज सो दिस इज नियरली अबाउट सिक्स टू सेवन परसेंट ऑफ माई इज़ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आई हैव मेड इन दिस मंथ ठीक है एंड फार so yes, so मेरा जो टारगेट रहता है बिकॉज आई एम एन ऑप्शन सेलर सो मेरा मंथली टारगेट थ्री टू फोर होता है बट कभी कभी uh, विक्स देवता uh, थोड़ा मेहरबान हो जाते हैं तो कभी कभी प्रीमियम्स जब मार्केट गिरता है या बढ़ता है तो प्रीमियम्स काफी ज्यादा स्पाइक हो जाते हैं एंड उनका जो टाइम वैल्यू होता है उसमें काफी ज्यादा एड ऑन हो जाता है ठीक है थीटा डीके जो होता है वो बहुत ज्यादा ऑन हो जाता है तो उसको बेचने का फायदा मिल जाता है एंड क्विक इन क्विक आउट होता है तो ईजिली आपको अच्छा खासा प्रीमियम मिल जाता है अगर आपका थीटा टाइम वैल्यू आपकी बढ़ी हुई है तो ठीक है जैसा कि अभी वेटनसडे को जब मार्केट गिरा था उस टाइम पर देखा गया था ठीक है ह्यूज प्रीमियम्स वर ह्यूज ओके सो दिस इज हाउ आई फेड इन दिस मंथ एंड आई एम श्योर काफी लोगों को तो मैंने इसमें अपना जो चैनल है उसमें काफी अपडेट्स भी दिए थे एंड काफी सारे लोगों ने काफी उसमें फायदा भी उठाया था सो इफ यू वांट टू लर्न फ्रॉम मी आई रिक्वेस्ट की यू कैन यू कैन ज्वाइन दिस चैनल एंड या ओके जस्ट मिनट okay that's it from my side sir uh, and if you have not uh, subscribed to my channel i request you to please subscribe my uh, youtube channel and if you like this video please uh, like share and uh, do comment ऑन इन द कमेंट सेक्शन बिकॉज मैं अपने पुराने सारे वीडियोज में आप लोगों से पूछता रहता हूँ कि दट इफ यू टू इफ यू वॉन्ट बी टू मेक अ वीडियो ऑन एनी सब्जेक्ट दट यू वॉन्ट टू लर्न प्लीज डू कमेंट सो मेरे को थोड़े बहुत कमेंट आए हैं सो so ज्यादा कमेंट नहीं आए हैं सो आई एम वेटिंग की आप जितने ज्यादा कमेंट करेंगे कि आपको कौन सा वीडियो सीखना है कौन सा कंसेप्ट सीखना है सो so उसी के ऊपर मैं आप लोगों को एक वीडियो बनाऊंगा नन द लेज देर आर देर इज वन टॉपिक जिसके बारे में मैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो है उसमें कवर करने की कोशिश करूंगा बिकॉज देर इज देर इज अ वे that uh, there is there are few stocks in which if you properly do uh, trading then it can easily give you a return of nearly about 40 to 50% पर एन एम इजीली ठीक है सो देयर दीज आर द फ्यू स्टॉक्स जिनके बारे में मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आऊंगा एंड दैट विल अ वेरी लर्निंग टॉपिक फॉर यू सो दिस दिस वुड बी माई नेक्स्ट वीडियो सो बिफोर आई मेक दिस वीडियो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कमेंट एंड टेल मी की विच टॉपिक यू वॉन्ट मी टू मेक अ वीडियो ऑन सो दैट आई विलट यू कैन लर्न फ्रॉम इट ओके सो दैट्स अट फ्रॉम माई साइड सर एंड आई होप यू लाइक दिट सो थैंक यू वेरी मच एंड है गुड रे and uh, happy trading.